हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्टारक जीके, एंड ये रहने वाले हैं आप सभी के 24th of July के। एंड आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का PDF मिले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, सेबी जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है 6 न्यू म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज अंडर ESG थीम। सो ESG थीम के अंडर सेबी जो है वो 6 न्यू म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। देन नेक्स्ट है सेबी से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है माधीपुरी पुच। देन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है RRBs को फ्रॉम CCI's मर्जर कंट्रोल रिजीम। सो मर्जर कंट्रोल रिजीम से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने RRBs को एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है CCI से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में, चेयरमैन है रवनीत कौर। देन नेक्स्ट, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ा है बाई $12.74 बिलियन US dollar टू $609.02 बिलियन, ठीक है। तो 12.74 से $609.02 बिलियन US dollar बढ़ा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। देन नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक होस्ट करने जा रहा है KBL FinOne फिनटेक पार्टनरशिप प्रोग्राम जो कि हो रहा है बेंगलुरु में। तो याद रखना है KBL FinOne प्रोग्राम जो है वो किसका है, कर्नाटका बैंक द्वारा होस्ट किया जा रहा है बेंगलुरु में। देन नेक्स्ट, इंडियन बैंक लॉन्च कर रही है रिसोर्सेज एक्विजिशन सेंटर टू स्ट्रेंथन डिपॉजिट पोर्टफोलियो। सो डिपॉजिट पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन बैंक लॉन्च कर रहा है रिसोर्सेज एक्विजिशन सेंटर, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, MD एंड CEO है शांतिलाल जैन, टैगलाइन है योर ओन बैंक आपका अपना बैंक। द नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपग्रेड करने जा रहा है टेक प्लेटफॉर्म को और अपॉइंट कर रहा है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपग्रेड कर रहा है टेक प्लेटफॉर्म को और अपॉइंट कर रहा है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को। नेक्स्ट है फेडरल बैंक रेज कर रहा है 959 करोड़ फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन थ्रू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। और प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स को के थ्रू फेडरल बैंक जो है वो रेज करने जा रहा है 959 करोड़ का फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो 200 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन मिलने वाला है उसे फ्रॉम रिलायंस कैपिटल। सो 200 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम रिलायंस कैपिटल किसे मिलने वाला है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को मिलने वाला है। देन नेक्स्ट है RBI जो है उसने रेगुलेशंस ईज किए हैं कोऑपरेटिव बैंक पर फॉर एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन के लिए RBI ने रेगुलेशंस जो है वो ईज़ कर दिए हैं इन कोऑपरेटिव बैंक। देन नेक्स्ट है कैनरा बैंक ने साइन किया है 3000 करोड़ का IT ट्रांसफॉर्मेशन डील। सो IT ट्रांसफॉर्मेशन डील किसने भी रिसेंटली साइन किया है, कैनरा बैंक ने साइन किया है और अमाउंट क्या है 3000 करोड़ का है। देन नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट कर रहे हैं एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर और ये कहाँ पे है, CISF एट महिवालपुर कैंपस जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, खजुराहो MP में हो रहा है। सो फिफ्थ हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, खजुराहो मध्य प्रदेश में हो रहा है। देन नेक्स्ट है अल्जीरिया जो है उसने अप्लाई किया है टू ज्वाइन ब्रिक्स बैंक। सो ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए अल्जीरिया जो है उसने भी रिसेंटली अप्लाई किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है यानी कि USA जो है उन्होंने लॉन्च किया है अ कॉल फॉर प्रपोजल ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसके लिए उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड AI पर कुछ जो है प्रपोजल्स साइन करने को कहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है असम जो है वो बैन करने जा रहा है पैकेज ड्रिंक वाटर बॉटल्स ऑफ लेस देन 1 लीटर। सो 1 लीटर से जो कम पैकेज बॉटल ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स होती हैं उनको बैन करने जा रहा है असम, ठीक है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और UNFPA जो है वो लॉन्च कर रहे हैं चैट बॉट फॉर एडोलेसेंस यंग एडल्ट ऑन सोशल सेक्सुअल हेल्थ डिजीजेस। तो ये जो चैट बॉट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड UNFPA, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जो कि हैं एस विंसेंट राजकुमार जो हैं वो न्यू चेयरमैन बने हैं फॉर इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन। सो इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के न्यू चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जो कि हैं एस विंसेंट राजकुमार। देन नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजी जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है XR स्टार्टअप प्रोग्राम एंड ये इनिशिएटिव होने वाला है मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। देन नेक्स्ट है FDI जो है वो नोज डाइव किया है यानी कि कम हुआ है टू $11.12 बिलियन और कितने से कम हुआ है 23.557 बिलियन डॉलर से $11.12 बिलियन जो है वो कम हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है टाटा सन जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं एक बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री और ये कहाँ पे होने वाली है, UK में होने वाली है, जिसका इन्वेस्टमेंट है 4 बिलियन यूरोज़ का, ठीक है। देन नेक्स्ट है TCS जो है उसने जीता है मल्टी ईयर डील फ्रॉम BBC। सो BBC की तरफ से कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने अभी मल्टी ईयर डील जीता है, तो दैट इज़ TCS। देन नेक्स्ट है श्री अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने कन्फर्म किया है 8th एंड 9th कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स
जो कि इनॉग्रेट किया गया है रीजनल कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन में, ठीक है। द नेक्स्ट है विराट कोहली जो है उन्हें सर जॉन ब्रैडमैन के जो इक्वली उन्हें कहा गया है और उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज बनाए हैं आफ्टर स्मैशिंग हिज 29th टर्न इन द सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है। द नेक्स्ट है सात्विक साईराज रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी जो है उन्होंने मेन्स डबल टाइटल जीता है एट कोरिया ओपन, जो कि कहाँ पे हो रहा है, योसू के कोरिया में हो रहा है। वहाँ पे सात्विक साईराज रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेन्स डबल टाइटल जीता है कोरिया ओपन का। द नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन 23rd of July। सो दीज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग जीके का भी बता दिया। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।